तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कोल इंडिया के लिए बच्चा, जैसे कि ज्योग्राफी वाला पोर्शन मैंने पार्ट वन में आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ें बताई थी, कुछ विशेष चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने कवर करी थी। अब पार्ट टू में बच्चा हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन होंगे बच्चा, उन्हें कवर करेंगे और उनसे जुड़े हुए हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चा हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका कि किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? विच कंट्री इज द नॉन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन? तो किसे कहा जाता है बच्चा आपका? नॉर्वे को कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ से करंट का एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ आप लोगों को बच्चा कि जो नोबेल प्राइज दिया जाता है तो वो किसके द्वारा दिया जाता है आपका? नॉर्वे सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, और नॉर्वे की कैपिटल कहाँ पे बच्चा आपका? तो नॉर्वे की कैपिटल कहाँ पे? ओस्लो के अंदर है। ठीक है, तो इसकी कैपिटल कहाँ पे आपका? ओस्लो के अंदर है। ठीक, तो लैंड ऑफ द मिडनाइट किसे? नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका, दक्षिण अमेरिका के अंदर घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका के अंदर घास के मैदानों को आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना बच्चा आप, दक्षिण अमेरिका में यानी कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, स्पेशली अगर मैं बात करूँ अर्जेंटीना के अंदर बच्चा आपका, इसे क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। ठीक है, जो सवाना है बच्चा यहाँ पे, सवाना आपका अफ्रीका के अंदर हो गया, और वेल्ड आपका ये भी अफ्रीका के अंदर हो गया, और प्रेरीज बच्चा आपका कहाँ पे होगा? प्रेरीज कहाँ पे कहा जाता है बच्चा आपका? तो ये यूएसए या नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। स्पेशली याद रखना बच्चा, अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में वाइल्ड फायर चल रहा था बच्चा आपका, वाइल्ड फायर चल रही थी। ठीक है, तो याद रखना बच्चा, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से? डाउन्स के नाम से जाना जाता है घास के मैदानों को, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर। अगले चलते हैं हम लोग, अगला बच्चा यहाँ पे ये देखिए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बच्चा आपका? तो मेडागास्कर। ठीक है, कौन सा आएगा बच्चा आपका? मेडागास्कर। यहाँ पे थोड़ा चीज़ें समझा देता हूँ आप लोगों को, पिछली क्लास में भी लगभग मैंने आप लोगों को बताया होगा, कुछ इस तरह का मैप दिखेगा आपको। कौन सा? जैसे इंडिया के साउथ में है, वैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में भी कुछ इस तरह से ही है। ठीक है, जस्ट आपको नीचे एक आपका क्या दिखेगा बच्चा, समझ रहे बच्चा आपका, एक आइलैंड दिखेगा। कहाँ पे? इंडियन ओशन में, यानी कि हिंद महासागर में, जिसका नाम क्या आपका? मेडागास्कर। ठीक है ना, इसका नाम क्या बच्चा आपका? मेडागास्कर है। ठीक है, ये कौन सा बच्चा आपका? मेडागास्कर आपका एक आइलैंड है। ठीक, अब यहाँ पे याद दीजिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मेडागास्कर से अलग कर रहा है या मेडागास्कर को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग कर रहा है, तो इस स्टेट का नाम क्या है? समझो जो लाइन बताया बच्चा मैंने, ये कौन सी स्टेट है? तो इस स्टेट का नाम है आपका मोजाम्बिक। ठीक है ना, कौन सी है बच्चा आपकी? मोजाम्बिक स्टेट, जो क्या कर रही है आपकी? मेडागास्कर को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग कर रही, यानी कि मोजाम्बिक जल संधि। समझ रहो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हर एक चीज़ है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब याद रखना बच्चा, अभी यहाँ पे एक साइक्लोन आया। ठीक है, यहाँ पे बच्चा एक साइक्लोन आया आपका, कहाँ पे? मेडागास्कर के अंदर। तो भारतीय नेवी, इंडियन नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा बच्चा यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया आपका? ठीक है ना, ऑपरेशन वनीला करके नाम दिया गया। ऑपरेशन बच्चा वनीला की बात करेंगे हम लोग, तो ये कहाँ पे चलाया गया बच्चा आपका? वनीला। ठीक है, ऑपरेशन वनीला की, जो भारतीय नेवी के द्वारा चलाया गया आपका, कहाँ पे? मेडागास्कर के अंदर एक साइक्लोन आया था बच्चा आपका, उस साइक्लोन के लिए जो वहाँ पे नुकसान हुआ है, ठीक, ट्रेजिडी के लिए भारतीय सेना, भारतीय नेवी के द्वारा एक आपका अभियान चलाया गया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बच्चा यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन सा जलरूडम मध्य एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? यहाँ पे क्या बच्चा आपका, किसको आपका? अफ्रीका को मध्य एशिया से अलग कर रहे हैं। तो अभी ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं पहले भी कई बार आपको समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैप से समझिए आप लोग। ये मैप आपका कहाँ का है? यूरोप का। ठीक है ना, ये कौन सा बच्चा आपका? यूरोप कॉन्टिनेंट आ गया। इस पोर्शन में जो ये दिख रहा है बच्चा आप लोगों को, कौन सा? ये वाले पार्ट में आपको पूरा का पूरा क्या दिखेगा? एशिया दिखेगा। ठीक है ना, ये कौन सा आपका? एशिया कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको मैप दिख जाएगा बच्चा, कौन सा? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट कुछ इस तरह से फैला हुआ दिखेगा आपको। ठीक है,
ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक। तो यहाँ देख लीजिए बच्चा आपका, ये क्या बोल रही, बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो एशिया को अफ्रीका से यानी कि इन दोनों के बीच की बात करें, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कौन सा है, यहाँ इस पोर्शन में ये है गया आपका कौन सा, रेड सी, ठीक है। ये कौन सा है बच्चा आपका, रेड सी, और ये पोर्शन कौन सा है बच्चा आपका, गल्फ ऑफ अदन, समझ लो, गल्फ ऑफ अदन, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली जो जल संधि है, इसका नाम क्या बच्चा आपका, वाब अमंडल या वेब अमंडल, ठीक है ना। कौन सा बच्चा आपका, वाब अल मंदब, ठीक है, मंदब करके आता आपका, ये क्या है बच्चा, इसके बीच में जल संधि है, ठीक है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आपके सामने था उसका राइट आंसर सी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लानोस घास के मैदान कहाँ पे कहा जाता है, लानोस हो गया आपका, पंपास हो गया, तो लानोस कहाँ पे आएगा बच्चा आपका, ब्राजीलियन घास के मैदान को लानोस कहा जाता है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पंपास अर्जेंटीना में, ठीक है। अफ्रीका में आसन बैराज बांध कौन से झील पर बना हुआ है, ठीक है। तो किस पर बना है बच्चा आपका, नाइजर लेक पर बना हुआ है, समझ लो, अफ्रीका के अंदर नाइजर लेक पर आपका आसन बैराज बांध बना हुआ है, ठीक। सुंडा ट्रेंच कहाँ पे स्थित है, हिंद महासागर का सबसे गहरा जो आपका ट्रेंच है बच्चा, उसका नाम क्या आपका, सुंडा ट्रेंच, ठीक है, यानी गर्त, समुद्र के अंदर जो सबसे गहरा जो डीपेस्ट पॉइंट है हिंद महासागर में, कौन सा है, सुंडा ट्रेंच है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, याद रखना बच्चा आपका। वैसे आपका सबसे गहरा कौन सा है, तो सबसे गहरा है बच्चा आपका मैरियानो, ठीक है ना। सबसे गहरा कौन सा बच्चा आपका, मैरियानो ट्रेंच की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है, मैरियानो ट्रेंच, और ये कहाँ पे है बच्चा आपका, पैसिफिक के अंदर यानी कि प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है, ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर स्थित है, ठीक। तो याद रखें बच्चा इसका कौन सा आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का ए था, मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो डेथ वैली, कई बार बता चुके हैं हम लोग इसके बारे में। सबसे आपका गर्म स्थान कौन सा है, कैलिफोर्निया के अंदर डेथ वैली, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना बच्चा आपका, सिलिकन वैली के नाम से भी किसे जानते हैं हम लोग, कैलिफोर्निया को ही जानते हैं, ठीक है। और इससे पहले सबसे गर्म स्थान कौन सा था बच्चा आपका, अल जजिया, ठीक है ना। इससे पहले सबसे गर्म स्थान कौन सा था, अल जजिया, जो कि कहाँ पे आपका, अफ्रीका के अंदर स्थित है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर यानी कि नाइजीरिया के अंदर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया के अंदर स्थित, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग की जाती है, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग की जाती है, तो कौन सा आएगा बच्चा आपका, बेरिंग स्ट्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा आपका। विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी आपकी, तो ये कौन सी है, बेरिंग स्ट्रेट ही विश्व की सबसे लंबी जल संधियों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा आपका, बेरिंग स्ट्रेट जो क्या करती है आपकी, विश्व की सबसे लंबी बच्चा आपकी स्ट्रेट है, ठीक है, जो क्या कर रही है बच्चा आपका, ये वाला पोर्शन देख लीजिए बच्चा आपका, ठीक है। तो रशिया का साइबेरियन पार्ट हो गया आपका, ठीक है, ये बेरिंग से हो गया आपका, ठीक है। तो इस पोर्शन में आपका क्या है, बेरिंग स्ट्रेट जो विश्व की सबसे लंबी स्ट्रेट भी मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है बच्चा आपका, वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, वोल्गा नदी, और ये कहाँ गिर जाती है आपकी, ब्लैक सी में जाके गिर जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ आप लोगों को, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन्हें मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा, ठीक है। कुछ इस तरह से दम समझिए आप लोग इस मैप को, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, जस्ट नीचे की ओर जाओगे आप लोग, जैसे भारत का श्रीलंका, अफ्रीका के नीचे कौन सा है, मेडागास्कर, उसी तरह से बच्चा आपका ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आपको एक आइलैंड दिखेगा जिसका नाम क्या आपका, तस्मानिया, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं बच्चा आपका, तस्मानिया आइलैंड है आपका, और ऊपर की ओर क्या दिख रहा है बच्चा आपको, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये कौन सा है बच्चा आपका, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक स्टेट है आपकी, तो इस स्टेट को क्या कहा जाता है बच्चा आपका, इस स्टेट का नाम है आपका बास स्टेट,
ठीक है ना, बास जल संधि, ठीक है, बास जल संधि किसे अलग करती है और किसे जोड़ती है, ये भी ध्यान देते हैं, ठीक है। बास स्टेट दोनों तरफ आपका पैसिफिक हो गया, तो पैसिफिक को जोड़ती है आपकी और अलग करती है ऑस्ट्रेलिया को, तस्मानिया से अलग करती है। जस्ट बच्चा आपको यहाँ पे दिखेगा कौन सा, जीबीआर, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है ना, ग्रेट, सॉरी जी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जीडीआर, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे, इन जगहों में फैला हुआ है, ठीक है। और इस जीडीआर की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है बच्चा आपका, माउंट कॉस यूस्को, ठीक है ना, कॉस यूस्को, माउंट कॉस यूस्को इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में, समझ लो, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या है आपका, कोरल रीफ है, यानी मूंगे की चट्टान है, जिसे क्या बोला जाता है आपका, जीबीआर, जो कि हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्या है बच्चा आपका, हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो ये ध्यान दीजिए आप लोग, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या आएगा बच्चा आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर बी आएगा बच्चा, डी नहीं आएगा इसका, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके सामने है उस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका बी, तो ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, बी है आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सी स्टेट ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, तो अभी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, यानी कि उसी का आपको ऑप्शन मिल गया, तो कौन सा बच्चा आपका, बास स्टेट जो कि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या बच्चा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, और ये को इस पर किसका अधिकार है बच्चा आपका, तो इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का, ठीक है ना, इस पर किसका अधिकार है बच्चा आपका, तो डेनमार्क का अधिकार है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, अटलांटिक महासागर को, अब देख लीजिए बच्चा आपको नॉर्थ अमेरिकन, अगर आप मैप खोलोगे तो यहाँ पे देख लीजिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन के अंदर क्या दिखेगा आपका, क्यूबा दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी का आपका कैरिबियन सी में, कैरिबियन सी में आपको क्यूबा दिखेगा, और इस वाले पोर्शन में अटलांटिक सी में आपका, ठीक है, तो याद रखना बच्चा आपका पनामा नहर जो क्या करती है आपकी, अटलांटिक सी को, ठीक है ना, आपका किससे जोड़ती है, कैरिबियन सी से, तो क्यूबा की लोकेशन कहाँ पे बच्चा आपका, कैरिबियन सी के अंदर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, सी, यानी कि पनामा नहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, हर एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, विक्टोरिया फॉल किस नदी पे बना हुआ है, तो जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। अब यहाँ पे फॉल की बात आई तो फॉल से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा फॉल, विश्व का सबसे बड़ा फॉल कौन सा बच्चा आपका, एंजिल फॉल, भारत का सबसे बड़ा फॉल कौन सा बच्चा आपका, तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा आएगा बच्चा आपका, जोग फॉल, भारत का सबसे बड़ा जोग फॉल जिसे आप क्या जानते हो, गांधी फॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब एंजिल फॉल की बात करेंगे हम लोग, एंजिल फॉल कौन सी नदी पे बना हुआ है आपका, तो ये बना है आपका कैरो नदी पे, जबकि जोग फॉल बचा किस नदी पर है आपका, सरावती नदी पर है, ठीक है ना, ये कौन सी नदी पर बचा आपका, सरावती नदी पर बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चा आपका, माउंट ब्लैक इन पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट ब्लैक किसकी सबसे ऊंची चोटी है बच्चा, अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, समझ रहे बच्चा आपका, अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैक है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिए बच्चा, मैं वैसे आपको कभी बात समझाया होगा, मैंने ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बताया होगा, ब्लैक फॉरेस्ट बच्चा आपका कौन सी कंट्री के अंदर है, तो कंट्री आएगी आपकी कौन सी, जर्मनी, ठीक है ना, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे बचा आपका, जर्मन कंट्री के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, जिब्राल्टर जल निगम जो आपका, ठीक है ना, ये क्या है आपका प्रवेश द्वार क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, द ग्रेट आपका, ठीक है ना, जिब्राल्टर स्ट्रेट इज द गेटवे ऑफ मेडिटेरेन सी, समझ लो, गेटवे ऑफ मेडिटेरेन सी, इसे मेडिटेरेन सी का यानी कि भूमध्य सागर का इसे क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है,
भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है बच्चा? आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट को कहा जाता है। इस संबंध में आप लोगों को थोड़ा चीज़ें समझा देता हूँ, एक बार फिर से आ जाइए आप लोग उसी लोकेशन में जहाँ पे आप लोगों ने अभी क्या देखा था। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी दिखा था, यहाँ पे आपको क्या दिखा, रेड सी दिखा था, और इधर आपको क्या गल्फ की खाड़ी, ठीक है ना, यानी कि गल्फ ऑफ अदन दिखा था। और ये ध्यान देना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं बच्चा आपका, जो दो लैंड मास में यानी कि यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है बच्चा आपका, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वर्तमान समय पर व्यापारिक दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी केनाल स्वेज केनाल, जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चा आपकी, तो 1869 में, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1956 में। स्वेज कैनाल का राष्ट्रीयकरण 1956 में हो चुका है, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, यहाँ से हर एक चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भूगोल में गल्फ स्ट्रीम को संबंध, तो यूरोप के अंदर जो आपकी क्या है बच्चा आपका, द वार्म ओशंस करेंट, ठीक है, ये क्या है बच्चा आपकी, गर्म जल धारा, ठीक है, और ये कहाँ पे चलती है आपकी, यूरोप का गर्म कम्बल भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है बच्चा आपका, यूरोप की गर्म कम्बल के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा बच्चा आपका, पैसिफिक रिंग, अभी बताया था मैंने अग्निवृत्त की बात करी थी कि अग्निवृत्त की घटना कहाँ पे घटित होती है, तो याद रखना बच्चा आपका कहाँ पे होती है ये, द वॉल्केनो बेल्ट अराउंड द पैसिफिक, समझ रहे हो बच्चा आपका, द वॉल्केनो बेल्ट अराउंड द पैसिफिक, प्रशांत महासागर के बाहर पे क्या है बच्चा आपका, जो आपका परिपत्र, ठीक है ना, प्रशांतिया जो पेटियां है बच्चा, उसके कारण रिंग ऑफ फायर की घटना आपका सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो पैसिफिक में ही होती है, प्रशांत महासागर में ही होती है, ठीक है। अगला बच्चा आपका, नदी नील का स्रोत क्या है, यानी कि नील नदी का सोर्सेस ऑफ रिवर नाइल इज द, क्या सोर्स क्या है बच्चा आपका, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील इसका क्या है बच्चा आपका मुख्य स्रोत है। व्हाइट नील और ब्लू नील बच्चा इससे पहले मिलती है, जो आपका आगे जाके जुबा करके जगह है सूडान की कैपिटल, वहां पे मिलने के बाद ये नायल रिवर बन जाती है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। और नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया लेक, यानी कि इसका उद्गम स्थल क्या है बच्चा आपका, विक्टोरिया झील इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बच्चा, जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, जोग फॉल किस नदी पर बना हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा चीजें समझा देता हूं। तो ये तो आएगा आपका आंसर सरावती रिवर पर, समझ रहे बच्चा आपका, किस रिवर पर बना हुआ है, सरावती रिवर पर बना हुआ है, ठीक है। और यहां से थोड़ा चीजें समझा देता हूं बच्चा आपका, जोग फॉल की बात की गई यहां पे, ठीक है ना, जोग फॉल आपका कहाँ पे, आपका स्टेट कौन सा आएगा, कर्नाटका, ठीक है। रिवर कौन सी आएगी बच्चा आपका, सरावती, ठीक है ना। और भारत का सबसे ऊंचा फॉल है जिसका नाम क्या रखा गया बच्चा आपका, महात्मा गांधी, समझ रहे हो, महात्मा गांधी फॉल के नाम से भी जाना जाता है, इसे महात्मा गांधी फॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आगे चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, हर एक चीज बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, वो क्षेत्र बच्चा, पेनिनसुला जो आपका बच्चा किसे कहा जाता है, वो क्षेत्र जिसका तीन ओर पानी से घिरा हो, तीन क्षेत्र किससे घिरे हुए, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो ये भी याद रखें आप लोग, ठीक। तो प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है बच्चा आपका, तो यहाँ की सबसे बड़ी नदी आएगी आपका कौन सा, गोदावरी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, ए गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है, ठीक है, तो किसके बच्चा अभी बताया था, कृष्णा की सहायक नदी है, और इसी पर बच्चा आपका कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बच्चा आपका, नागार्जुन श्री सेलम आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा नदी पर ही स्थित है, ठीक है।
नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन। ये देख लीजिए बच्चा आपका, ठीक है, ये बच्चा आपकी ये नदियाँ कहाँ से निकल रही है, तो ये देखिए आपका वेस्टर्न घाट से निकल रही है, ठीक। और वेस्टर्न घाट से निकल रही कौन सी, भीमा नदी कहाँ पे गिरी आपकी, कृष्णा पे गिरी, और कृष्णा जाके आपका फाइनली कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपका ये देख लीजिए आपका, ठीक है ना बच्चा, तुंगभद्रा नदी आपकी किसकी सहायक नदी है, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। याद रखना बच्चा, तेलंगाना की कैपिटल और हैदराबाद की जॉइंट कैपिटल, समझ, सॉरी आपका आंध्र प्रदेश की जॉइंट कैपिटल कौन सी हैदराबाद है। तो हैदराबाद शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चार मीनार आप लोगों को याद होगा कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर ही है, और हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा आपका, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दामोदर रिवर राइज इज द छोटा नागपुर पठार से निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से क्या होती है बच्चा आपका, निकलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी निकट आती है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो इस संबंध में बाकी चीज़ें भी समझा देता हूँ आप सभी लोगों को। पहले मैंने आप लोगों को हमेशा से कहा है, यदि आप लोग YouTube के अंदर भी क्लास देखते हो, वहाँ पर भी कई बार समझा चुका हूँ वी एन एस टी के बारे में, ठीक है ना। वी एन एस टी का मतलब क्या है बच्चा आपका, कई बार पूछा जाता है, वी का मतलब होगा आपका विंध्याचल, ठीक है ना। वी का मतलब क्या होता है बच्चा आपका, विंध्याचल। एन का मतलब आपका नर्मदा। एस का मतलब बच्चा आपका क्या आएगा, सतपुड़ा, ठीक है। और टी का मतलब बच्चा आपका क्या आएगा, ताप्ती। अब क्या पूछ रहा है आपका, विंध्याचल ये क्या है बच्चा आपकी, रेंज है, ठीक है ना। सतपुड़ा ये भी क्या है बच्चा आपका, रेंज है। नर्मदा क्या है बच्चा आपका, ये नदियां हैं। इस तरह से याद रख सकते हैं, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछता है, नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच बहती है, नर्मदा रिवर जो आपका फ्लो होती है बच्चा, तो किन दो जो आपकी रेंज है उनके मध्य बहती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए बच्चा आपका, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है, और नर्मदा नदी समझो, नेक्स्ट आपका जो सतपुड़ा रेंज है किन दो नदियों के मध्य, समझ लो, सतपुड़ा जो आपके बच्चा रेंज है बच्चा, किन दो नदियों के फ्लो के मध्य है बच्चा, तो यानी कि दो नदियों के बीच में, तो आपका कौन सा आएगा, नर्मदा और ताप्ती के बीच में बसा हुआ, ठीक है। ये भी याद रखना आप लोग, नर्मदा और ताप्ती के बीच में बसा हुआ है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चा आपका, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय राज्य को पांच नदियों का संघ की भूमि भी कहा जाता है, निक नेम क्या बच्चा आपका, लैंड ऑफ द फाइव रिवर्स, द लैंड ऑफ द फाइव रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है आपका। तो कौन सा बच्चा आपका, पंजाब। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, पंजाब इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा हम लोग, द लॉन्गेस्ट रिवर इज द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी सबके लंबी नदी आता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा, अफ्रीका के अंदर मैंने नील नदी की बात करी थी, तो ये कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया लेक से। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है बच्चा आपका, ठीक है ना। हर एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चे यहाँ पे, तो हम थोड़ा चीज़ों को समझ देते हैं। ये देख लीजिए आपका, ये कौन सा है बच्चा आपका, विक्टोरिया फॉल, ये कौन सा बच्चा आपका, विक्टोरिया फॉल, ठीक है। अब विक्टोरिया फॉल किन राज्यों को टच करता है या कौन से देशों को टच करता है, तो देश देखेंगे आप लोग सबसे पहले केनिया, इधर क्या दिखेगा आपको, ट्रांसलेट, ठीक है। ये ध्यान देना बच्चा आपका, यहाँ पे क्या है आपका, केन्या हो गया आपका, तंजानिया हो गया, सॉरी यहाँ पे बच्चा आपका तंजानिया हो गया और युगांडा हो गया, ठीक है। इन्हें इंग्लिश में हम लोग चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए चले आप लोग, तो याद रखना बच्चा आपका, तंजानिया हो गया, केन्या हो गया आपका, और युगांडा हो गया, ठीक है। तो इन्हें टच कर रहा है, और MPPCS के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपका, विक्टोरिया लेक किस किस को टच करती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बच्चा आपका अरब सागर में गिरती है, तो ये भी ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना।
तो याद रखना बच्चा, इनमें से कौन सी नदी आपकी जो अरब सागर में गिरती है, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछता है तो याद रखे बच्चा आपका कौन सी गिरती है, इनमें से नर्मदा, ठीक है ना, कौन सी गिरती है बच्चा आपका अरब सागर में, यानी कि नर्मदा और ताप्ती, इस छोर में। अरब सागर कहाँ है बच्चा आपका, ये वाले छोर में, ठीक है, तो कौन सी नदी आपकी, तो नर्मदा गिरती है इसमें। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नदी बेसिन जिसे भारत का रूर भी कहा जाता है, समझ लो आपका, द रिवर बेसिन इज द कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया, तो दामोदर घाटी क्षेत्र को जो भारत में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करती है, तो यही क्षेत्र आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना को, ठीक है, ये देख लीजिए बच्चा आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना का आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ डैमों के नाम मैं हाईलाइट करूंगा बच्चा, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है, जैसे कि आपका कौन सा, तलैया बांध, समझ रहे हो यहाँ पे कौन सा बच्चा आपका, तलैया बांध हो गया आपका। अगला कौन सा है बच्चा यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मैथल डैम, इसे भी याद कीजिए आप लोग, मैथल बांध हो गया आपका, ठीक है, तलैया बांध, और कौन सी नदी पर है ये आपका, बराकर रिवर पर, और जगह कौन सी है, स्टेट झारखंड के अंदर है, ठीक है, पलामू थर्मल पावर प्लांट दामोदर पे, ठीक है ना, पलामू थर्मल पावर प्लांट दामोदर रिवर पर, और ये भी कहाँ पे आपका, झारखंड के अंदर है, ठीक है। अगला बच्चा यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोकारो, समझ रहे हो बच्चा आपका, अगला क्या दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, बोकारो जो स्टील प्लांट है आपका, ये भी कहाँ पे है, इसी जगह पे है, ठीक है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पंचम पेट आपका जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो ये भी इसी क्षेत्र में, ठीक है ना, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, जो जो एग्जाम में पूछा गया आपका, ठीक है, तो याद रखना बच्चा हर एक आपका, दामोदर वैली जो आपका दामोदर रिवर बेसिन, इसकी स्थापना आपका 1948 में की गई थी, और याद रखे हैं भारत में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करने वाला क्षेत्र कौन सा था आपका, यही क्षेत्र था जिसे भारत का रूर भी कहा जाता था, छोटा नागपुर पठार, समझ रहे हो बच्चा आपका, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र को भी कहा जाता था, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका, विच पेयर इज द करेंटली नॉट मैस्ड, इनमें से कौन सा जो कि करेंटली मैस्ड की बात की गई, ठीक है, तो यहाँ पे मैस्ड कौन कर रहा है आपका, तो अयोध्या, सरयू नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा सही आंसर, विजयवाड़ा जो कि कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध ताजे पानी की झील कौन सी है, तो बूलर झील, ठीक है, बूलर लेक आपका कहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के अंदर झेलम, ठीक है, और साथ ही साथ बच्चा श्रीनगर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ आपका, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है, डाम्फा टाइगर रिजर्व, ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, समझो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए बच्चा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हैमिस नेशनल पार्क है, ठीक हैमिस नेशनल पार्क जो कहाँ पे आपका, लेह लद्दाख के अंदर स्थित है। सबसे छोटा कौन सा बच्चा आपका, सबसे छोटा साउथ बटन करके आता है, साउथ बटन आपका सबसे छोटा है, और ये कहाँ पे है बच्चा आपका, साउथ बटन अंडमान निकोबार के अंदर, एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो नैनीताल, उत्तराखंड हाईकोर्ट भी यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, नैनी झील के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उस झील का नाम बताइए जो भारत में भाखड़ा नांगल बांध पर बनी हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कौन सी बच्चा आपका, गोविंद सागर बांध, ठीक है, कौन सा आएगा बच्चा आपका, गोविंद सागर बांध, और कौन सी नदी पे बना हुआ है बच्चा आपका, ये सतलज नदी पर बना हुआ है, कौन आपका, भाखड़ा बांध परियोजना, समझ रहे हो, भाखड़ा बांध परियोजना सतलज नदी पर बनी हुई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, यदि आप लोगों ने YouTube के अंदर क्लासेस देखी होगी बच्चा, तो इन सभी क्वेश्चनों को मैंने कई बार वहां पे रिवीजन भी कराया आप लोगों को, तो याद रखे बच्चा यहाँ पे क्या पूछा है, पहला नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इन इंडिया, ठीक है, भारत में पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो याद रखिए बच्चा आपका जिम कॉर्बेट, कौन सा आएगा बच्चा आपका, जिम
कॉर्बेट की बात करते हैं हम लोग, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 ईस्वी में, ठीक है। इसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1973 में, 1973 में, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, जिम कॉर्बेट, और स्टेट आएगा आपका यूके, कहाँ पे बच्चा आपका, उत्तराखंड के अंदर स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में खारे पानी वाले मगरमच्छों के लिए जाना जाने वाला नेशनल पार्क कौन सा है आपका, तो भितरकनिका, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चा हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आपका, तो हजारीबाग कहाँ पे है बच्चा आपका, ठीक है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि काफी नाम इंपॉर्टेंट है आपका, झारखंड के अंदर, और झारखंड में आपके विधानसभा इलेक्शन भी हुए थे, तो कितने फेस में, 5 फेस में अभी 2019 के अंदर बैठे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। महान विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है, यानी कि आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड इन, तो कहाँ पे बच्चा, विक्टोरिया झील अफ्रीका में, विक्टोरिया फॉल जाम्बेजी नदी पे अफ्रीका में, और विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पहुंच गया आपका, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। विक्टोरिया जो आपका रेगिस्तान है बच्चा, ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, मैंने आप लोगों को चीजें समझा चुका हूँ पहले ही, तो याद रखिए बच्चा आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, बच्चा आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, कौन से पोर्शन में, इस वाले लोकेशन में, यहाँ पे आपको पापुआ न्यू गिनी मिलेगा, इसी तरफ आपको एक आपका कंट्री मिलेगी, कौन से बच्चा आपका, पापुआ न्यू गिनी आइलैंड है, जिससे बोगनविले अलग हो रहा है, ठीक है। तो बोगनविले जो अब नई कंट्री बनेगी इसी कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसमें क्या बच्चा आपका, ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी से अलग हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूजीलैंड भी इस लोकेशन में है, भारतीय टीम इसी दौरे पे आपका, न्यूजीलैंड दौरे पे, ठीक है। तो याद रखना बच्चे यहाँ पे टोटल कंट्रियाँ कितनी आपकी, 22 है, अब आपका एक नया बन जाएगा, यानी कि बोगनविले यहाँ पे नई कंट्री बनने वाली, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर एक नई कंट्री बनने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बच्चा आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है, द लैंड मास ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द लेस्ट, ठीक है, सबसे कम है इनमें से, तो किसका बच्चा, मैंने आपको बताया था कल स्टार्टिंग में ही, जब मैंने क्लास शुरू करी थी तो उसी समय पे पार्ट वन के अंदर बताया, सबसे ज्यादा एशिया, सबसे कम आपका किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर जो आपका है सबसे ऊंचा कौन सा है बच्चा आपका, तो माउंट कॉसियुस्को इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, अच्छा ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है बच्चा आपका, तो जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है अर्थक्वेक के लिए बच्चा आपका, तो गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र सबसे क्या है बच्चा आपका, सेंसिटिव जोन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा परिकल्पित भारत में राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्र में वन अनुपात कितना होना चाहिए, यानी कि जो आपके फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 के अनुसार पूरे भारत में 33.3% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, और राज्यों के लिए भी ये पॉलिसी लागू की गई, यानी कि राज्य डिसाइड करे कि उसके टोटल क्षेत्रफल का 33.3% में क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ठीक है। एशिया में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बच्चा आपका, भारत, ठीक है ना। द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ माइका इज द एशिया इन, कहां पे बच्चा आपका, तो ये होता है कहां पे, इंडिया के अंदर, ठीक है ना। अदरक उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन है, तो भारत है। अफ्रीका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है बच्चा आपका, तो विक्टोरिया लेक, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार भारत द्वारा कवर की जाने वाली पृथ्वी की 100% जो है, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज द 2.4%, कितना परसेंट बच्चा आपका, 2.4% कवर करता है, 2.4% जो क्षेत्र है बच्चा इंडिया इस पे क्या करता है, कवर करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा सूचित की जाती है, ठीक है ना, भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा, यानी कि द इंडियाज हाइस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट, कहाँ पे बच्चा आपका, मानसिंगराम मेघालय के अंदर,
कहाँ पे बच्चा आपका, मानसिंगराम मेघालय के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा बच्चा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट, इनमें से कौन सी नदी जो आपके पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट, समझ रहे हो, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट कौन सा है, ये वाला क्षेत्र, पूर्वी घाट इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे बच्चा, इनमें से कौन सी आएगी आपकी, तो महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है, नागपुर के पठार से इसका उद्गम स्थल है, तो यानी वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है। ठीक है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को भीमा और तुंगभद्रा, कृष्णा की, कृष्णा भी कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट से, कावेरी भी वेस्टर्न घाट से, ठीक है, और गोदावरी भी वेस्टर्न घाट से, जबकि महानदी कहाँ से निकलती है आपकी, नागपुर से। ठीक है, लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेजर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व के सभी जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट है आपके, उनमें से ये कौन कौन से डेजर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग हर एक इम्पोर्टेंट डेजर्ट। तो बच्चे यहाँ पे लिस्ट में जो आपका, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट डेजर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है ना, विश्व के जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट है आपके, उनमें से कुछ चीज़ें बच्चे आप लोगों को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका कालाहारी डेजर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे स्थित है बच्चा आपका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, रट दीजिए बच्चा, आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट जो कहाँ पे, नामीबिया यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर, बोस्टवाना हो गया आपका, नामीबिया हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ जाए बच्चा आपका, कारो डेजर्ट, ठीक है, कारो डेजर्ट भी कहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर है। नामिब डेजर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो नामिब नामीबिया के नाम से, नामिब आपका कहाँ पे, नामीबिया में है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा आपका, तो याद रखना बच्चा आपका कौन सा है, सहारा डेजर्ट है। ठीक है, और ये कहाँ पे बच्चा आपका, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर स्थित है, नॉर्थ अफ्रीका कंट्री के अंदर स्थित है, जबकि आपका सिनाई डेजर्ट, बहुत ही अच्छा नाम आ गया आपका सिनाई डेजर्ट, ये कहाँ पे बच्चा आपका, ये इजिप्ट के अंदर है, यानी कि मिस्र के अंदर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे इजिप्ट का नाम आया, तो इजिप्ट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ, इजिप्ट को क्या बोला जाता है आपका, नील नदी का देन भी कहा जाता है। अब नील नदी, आप लोगों ने नाइल रिवर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, नाइल रिवर की अगर मैं बात करता हूँ, तो नाइल नदी बच्चा आपकी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी कौन सी आपकी, नील नदी ही सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग, यहाँ पे क्या दिया गया आपका, अगला जो आपके डेजर्ट हो गए, जैसे दासत ए काबिर और दासत ए लूट, रट दीजिए बच्चा इसे, दासत ए काबिर और दासत ए आपका, ठीक है, ये कहाँ पे, ईरान के अंदर है। ठीक है, और याद रखे बच्चा आपका, ईरान के अंदर एक आपका बंदरगाह भी है, जिसे भारत अफगानिस्तान और ईरान बना रहे। ठीक है, तो याद रखना बच्चा आपका कौन सा, चाबहार पोर्ट। ठीक है, चाबहार पोर्ट कहाँ पे आपका, ईरान के अंदर है। ईरान की संसद का नाम क्या बच्चा आपका, तो मजलिस। ठीक है, ईरान की संसद का नाम क्या है आपका, तो मजलिस ईरान की संसद का नाम है। ठीक है, आगे बच्चा आपका गोबी डेजर्ट की बात करेंगे हम लोग, तो गोबी डेजर्ट कहाँ पे आपका, तो मंगोलिया और चाइना के अंदर स्थित है, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट का, आप लोगों को बताया था मैंने आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डेजर्ट है, समझ रहे बच्चा आपका, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एरिया अकॉर्डिंग टू एरिया कहाँ पे बच्चा आपका, एशिया कॉन्टिनेंट में, तो यही आपका कौन सा, गोबी डेजर्ट। ठीक है, अगला बच्चा आपका काराकुम डेजर्ट, जो कहाँ पे बच्चा आपका, सेंट्रल एशिया के अंदर आपका, ठीक है, बसा हुआ है। नेक्स्ट आपका बच्चा यहाँ पे लूप डेजर्ट के बारे में पूछा जाता है, लोप डेजर्ट के बारे में पूछा जाता है आपका, तो ये कहाँ पे, ये भी चाइना के अंदर है, और कोरोना वायरस जो अभी आपका फैला बच्चा, तो वो कहाँ पे, चाइना के अंदर ही फैला, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बच्चा तकला मकान की हमने बात करी, तो तकला मकान आपका अभी रिसेंटली पूछा गया था, तकला मकान कहाँ पे, तो ये चाइना के अंदर ही स्थित है आपका तकला मकान। ठीक है, जबकि थार डेजर्ट आपका, ठीक है, तो थार कहाँ पे बच्चा आपका, थार भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसा हुआ आपका क्या है, एक आपका डेजर्ट है। ठीक है, हर एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा आपके, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आटाकामा डेजर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आटाकामा, अब यहाँ पे चिली और पेरू के अंदर बसा हुआ है। ठीक है, हम कहाँ पहुँच गए बच्चा आपका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। अब याद रखें बच्चा आप लोगों को थोड़ी चीज़ें समझा देता हूँ मैं, जब आपका आटा काम आया तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, विश्व की सबसे लंबी रेंज कौन सी है, एग्जामिनर पूछा आपसे,
विश्व की सबसे लंबी, अच्छा ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी रेंज कौन सी है? तो याद रखना बच्चा आपकी सबसे लंबी रेंज, विश्व की सबसे लंबी रेंज कौन सी है? तो एंडीज रेंज सबकी लंबी है, ठीक है ना। एंडीज जो आपकी पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी रेंज है, ठीक है। यानी कहाँ पे है बच्चा ये आपका? तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, जो कि अर्जेंटीना, जो आपका क्या है यहाँ पे, पेरू हो गया आपका, ठीक है, चिली हो गया, इन पे फैली हुई है, ठीक। अब याद रखना एंडीज रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है ये भी पूछा जाता है, यानी इसी रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चा आपका, तब आता है आपका कौन सा बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस रेंज का नाम क्या बच्चा, ये रेंज जो आपको दिख रही एंडीज की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या बच्चा आपका, एकांका गुआ, ठीक है ना, एकांका गुआ इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, इसी रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है एकांका गुआ। उसके बाद याद रखना बच्चा आपका वर्ल्ड का सबसे ड्राई एरिया इसी क्षेत्र में, वर्ल्ड का सबसे ड्राई एरिया यानी कि सबसे शुष्क एरिया जहाँ पे ह्यूमिडिटी आपके ना के बराबर है, तो उसका नाम क्या है बच्चा आपका, एरिका, और वो भी कहाँ पे है, इसी जगह पे है। रट दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, एग्जाम में पूछा जाएगा, वर्ल्ड का सबसे ड्राई एरिया एरिका कहाँ पे स्थित है, एंडीज रेंज में, कौन सी जगह पे आपका, तो एकांका गुआ क्षेत्र में, ठीक है, चिली के अंदर, समझ लो, चिली कंट्री के अंदर विश्व का सबसे ज्यादा जो कॉपर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन है, चिली है, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर की एक माइंस है जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना, कॉपर माइंस कौन सी बच्चा यहाँ पे, चिकविक माता, ठीक है ना बच्चा आपका, कौन से बच्चा आपका, चिकविक माता करके आता है, ठीक है ना, चिकविक माता करके आता है, ये यहाँ पे कॉपर माइंस है कहाँ पे, चिली के अंदर। तांबा उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी स्थान चिली का ही है, ठीक है ना बच्चा आपका। अब यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है, और याद रखना बच्चा आपका करंट में अगर मैं आपको बताऊं चिली कंट्री से, तो क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से पूछ लेगा आपसे चिली के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बच्चा आपका COP25 और अपेक सम्मेलन भी होना था, लेकिन चिल्ली में इंटरनल डिस्टरबेंस होने के कारण इसने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 को होस्ट नहीं करा, जिस कारण से ये कहाँ पे हुआ आपका, तो मैड्रिड के अंदर हुआ था, ठीक है ना, कहाँ पे हुआ बच्चा आपका, मैड्रिड यानी कि स्पेन के अंदर ये आयोजन हुआ था, ये भी याद रखे बच्चा आप लोग, हर चीज काफी इंपॉर्टेंट है जिसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चा। आगे चलते हैं हम लोग बच्चे, यहाँ पे क्या है, मोनेट डेजर्ट करके बच्चा आपका, ये कहाँ पे, अर्जेंटीना के अंदर स्थित है, जबकि आपकी पेंटागोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा आपका, पेंटागोनिया जो डेजर्ट है बच्चा आपका, ये अर्जेंटीना और चिली कंट्री के अंदर बसा हुआ, पेंटागोनिया जो डेजर्ट है आपका, ठीक है ना। सेचारू डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेचारू डेजर्ट ये कहाँ पे है, ये भी पेरू के अंदर ही स्थित है, समझ लो कहाँ पे बच्चा आपका, पेरू कंट्री के अंदर ही स्थित है आपका सेचारू डेजर्ट, समझ रहे हो बच्चा, हर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे, एक क्वेश्चन इनमें से कौन से, ये बच्चा एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, आगे बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे बच्चा आप लोग, इंपॉर्टेंट टेम्पल इन इंडिया, भारत में प्रमुख जो आपके मंदिर कौन कौन से हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टेम्पल आपका, अभी तो सबसे पहले तो आप लोग खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ आपका, गुवाहाटी के अंदर, और गुवाहाटी में कौन सा टेम्पल है, तो याद रखिए यहाँ पे ढूंढ लेते हैं हम लोग, गुवाहाटी असम के अंदर, ये देख लीजिए बच्चा आपका गुवाहाटी यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा टेम्पल आएगा आपका, कामाख्या देवी मंदिर, समझ रहे बच्चा आपका, ठीक है ना, सॉरी ये तो गुजरात है आपका, सोचा गुवाहाटी असम के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, हाँ सबसे ऊपर ही है बच्चा आपका, सबसे ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ पे गुवाहाटी, ये रहा गुवाहाटी आपका, ठीक है ना बच्चा, काफी थोड़ा फाउंड बच्चा काफी छोटा है, तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग नाम सुन लीजिए बच्चा, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे बच्चा, ये आपका गुवाहाटी के अंदर है, रट दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट में से एक है बच्चा, क्योंकि अभी यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम भी आपका गुवाहाटी के अंदर हुआ, ठीक है। गुवाहाटी में ही बच्चा आपको एक और चीज मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के बारे में बताया था मैंने आपको, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ पे, गुवाहाटी के अंदर ही है, ठीक है। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन भी इसी क्षेत्र में हुआ, और इंटरनेशनल बारदोलाई, समझ रहे हो, गोपीनाथ बारदोलाई जो आपका हवाई अड्डा है, तो ये भी कहाँ पे स्थित है बच्चा आपका, इसी क्षेत्र में यानी कि गुवाहाटी के अंदर ही है। गुवाहाटी शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, बैंक ऑफ द विस रिवर, तो कौन सी नदी है बच्चा आपका,
ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। और असम के अंदर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि माजुली भी यहीं पर स्थित है। तो कितनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर ली बच्चा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे और कौन कौन से बच्चा आपका, जैसे महाबलीपुरम जो आपका टेम्पल है बच्चा, ये कहाँ पे है? महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर, महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु के अंदर, जबकि मीनाक्षी टेम्पल बच्चा आपका मदुरई में है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई के अंदर है, और इसे भी ध्यान देना, ये क्यों पूछा जाता आपका, इसे क्या बोला जाता है बच्चा आपका, फेस्टिवल सिटी यानी कि त्योहारों का शहर किसे बोला जाता है, मदुरई को ही कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो बृहदेश्वर भी कहाँ पे आपका, ठीक है ना, बृहदेश्वर, तो याद रखना बच्चा आपका, ठीक है। तो ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर ही है बृहदेश्वर, ठीक है। अगला आपका कांचीपुरम, ये भी तमिलनाडु में है। अगला बच्चा आपका श्री सेलम टाइगर रिजर्व भी है, श्री सेलम आपका क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, तो आंध्र प्रदेश याद रखिए, समझ रहे बच्चा आपका। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पे आपका, केरला स्टेट के अंदर स्थित है, ठीक है। और याद रखना बच्चा, भारत में पहला जो कोरोना वायरस का पहला जो पेशेंट मिला या पहली जो आपके यहाँ पे सूचना मिली है, तो कहाँ पे, केरल राज्य के अंदर ही इसकी सूचना मिली है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज रहा आपका सबरीमाला जो टेम्पल है बच्चा, ये भी आपका कहाँ पे है, मंदिर केरला राज्य के अंदर, यहाँ पे महिलाओं के प्रवेश के लिए चर्चा में रहा, तो ये कहाँ पे बच्चा, केरल के अंदर ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चा हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, वीरूपाक्षी मंदिर, समझ लो, वीरूपाक्ष जो टेम्पल है बच्चा आपका, ये कहाँ पे है, बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है। वीरूपाक्षी टेम्पल कहाँ पे बच्चा आपका, बेंगलोर कर्नाटक के अंदर स्थित है, ठीक है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला बच्चा आपका कौन सा आएगा, सोमनाथ मंदिर, मोहम्मद गजनवी, समझ लो आपका 1025 ईस्वी में, 1025 में क्या करके गया था, लूट के गया था आपका, तो गुजरात के अंदर ही आपका सोमनाथ टेम्पल, ठीक है ना। सिद्ध विनायक मंदिर ये कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र के अंदर है, समझ लो आपका, सिद्ध विनायक मंदिर। महाबौद्धिक टेम्पल गुजरात के अंदर, जबकि आपके मार्कंडेश्वर मंदिर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या पूछा आपका, मार्कंडेश्वर मंदिर ये आपका कहाँ पे बच्चा, हरियाणा के अंदर स्थित है। अमरनाथ की गुफाएं बच्चा आप लोगों को पता होगा, अमरनाथ जो आपके कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर है। कोणार्क सन टेम्पल तो उड़ीसा के अंदर, और बिरला मंदिर कहाँ पे है, ये जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। तो हो गया क्लियर यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ थर्मल पावर प्लांट है, टीपीएफ, ठीक है ना, टीपीएस के बच्चे, थर्मल पावर प्लांट्स जो भारत के अंदर है, जैसे कि सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट आंध्र प्रदेश, ठीक है ना बच्चा आपका। नामरूप थर्मल पावर प्लांट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए बच्चा आपका, इस थर्मल पावर प्लांट यानी कि नामरूप को कुछ अवार्ड भी मिला था अभी, ठीक है ना, तो याद रखना बच्चा आपका, ठीक है। तो ये कौन सा बच्चा आपका, असम के अंदर स्थित है, ठीक है। बरौनी आपका तेल क्षेत्र या बरौनी थर्मल पावर प्लांट, तो ये कहाँ पे आपका, बिहार के अंदर है। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़। भिलाई जो आपका कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर है। सीपत थर्मल पावर प्लांट ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है। उकाई थर्मल पावर प्लांट ताप्ती नदी पर गुजरात के अंदर, ठीक है। और सिक्का पावर स्टेशन कहाँ पे, ये भी गुजरात के अंदर ही स्थित है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे कि आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, गंगोत्री और गोविंद नेशनल पार्क और नंदा देवी, ये सारे के सारे उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। अगला आपका बच्चा गुयांडी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है बच्चा आपका, ठीक है ना, ये मन्नार आपका कहाँ पे, ये भी तमिलनाडु में आपका। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क हो गया बच्चा आपका, ठीक है ना, और आपका मधुमलाई नेशनल पार्क ये भी तमिलनाडु में, ठीक है।
नेक्स्ट आपका और ज्योग्राफी के सेशन में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, तो बच्चा अब कुछ क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो उसे हम लोग बच्चा मिसलिनियस वाले पोर्शन में, जहाँ पे विविध वाला पोर्शन होगा वहाँ पे भी आप लोगों को, और यहाँ पे ध्यान देना आपका एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जो माइनिंग से संबंधित होगा, यानी कि भारत के अंदर अलग अलग खनिज और जो आपके क्या होगा बच्चा खनन क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें होगी, क्योंकि कोल इंडिया आपको खनन क्षेत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। कुंद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर, राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में हो गया, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क एकमात्र तितली उद्यान ये भी कहां पे, कर्नाटक में, बांदीपुर नेशनल पार्क बच्चा आपका कहां पे, तो बांदीपुर भी आपका कहां पे बच्चा, ये नेशनल पार्क भी कर्नाटक के अंदर है, जबकि अंसी और डंडेली भी इसी राज्य के अंदर स्थित है। तो ये थे बच्चा हम लोगों के यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने कवर करी, इसके बाद माइनिंग वाले लेक्चर में मिलेंगे, समझ रहे बच्चा। तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप लोग नोट कीजिए, आशा करता हूँ आपको इस आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इससे बेनिफिट होगा। धन्यवाद।